हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। भारत ने अब सूर्य के रहस्यों की खोज के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से सुबह 11:50 पर इसे लॉन्च किया गया। इसरो की सबसे ऊंची उड़ान, सूरज को समझने चला आदित्य L1। 15,00,000 किलोमीटर के लंबे सफर पर आदित्य L1 एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। सही तारीख और तय वक्त पर वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य यानी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घड़ी में 11:50 का वक्त हुआ, इसरो स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया। और जैसे ही आदित्य L1 ने धरती से सूरज की तरफ उड़ान भरनी शुरू की, इसरो सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा इसरो सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कांग्रेचुलेशंस, द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट हैज बीन इंजेक्टेड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ 235/19,500 किलोमीटर व्हिच इज इंटेंडेड वेरी प्रिसाइसली बाय द PSLV वेरी यूनिक मिशन मोड हियर। वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए काफी मेहनत की थी। कई बार इस मिशन को लेकर रिहर्सल भी किया गया और फिर पूरी तसल्ली और हर छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही इस मिशन को फाइनल किया गया था। और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत और इसरो पर टिकी हुई। फर्स्ट स्टेज इंजन स्टार्टेड फॉर बैंड 2। आदित्य L1 सूरज की तरफ जाने वाला इसरो का पहला मिशन है, लिहाजा इसकी लॉन्चिंग के साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। आदित्य L1 सैटेलाइट सेपरेटेड और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश। सबसे पहले तो मैं अभी अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को इसरो की सबसे ऊंची उड़ान को देखने के लिए इसरो स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, तो सैकड़ों की तादाद में वहां जमा लोग भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इन लोगों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। कांग्रेचुलेशंस इसरो, and while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen. लॉन्चिंग से पहले इसरो स्पेस सेंटर से हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही थी। वैज्ञानिक हर पल डेटा कैलकुलेशन में जुटे थे और जैसे ही सही वक्त आया, आदित्य L1 को सूरज की तरफ रवाना कर दिया गया। ये इसरो की सबसे ऊंची उड़ान है। आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। जिसके बाद इसमें लगे पेलोड्स L1 पॉइंट से सूरज का अध्ययन करेंगे और फिर धीरे धीरे सूरज के उन रहस्यों से भी पर्दा उठना शुरू हो जाएगा जो अब तक हमारे लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत स्पेस का सुपर पावर बन चुका है। 50 दिन के अंदर 2 मिशन को लॉन्च कर इसरो के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। वो बड़े से बड़े मिशन को अपनी मेहनत से पूरा करने का मादा रखते हैं। तो
चांद पर तिरंगा पहुंच चुका है। ऐसे में अब सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इसरो का ये मिशन काफी अहम माना जा रहा है। 4 महीने बाद आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और जरूरी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। चांद पे तिरंगे का परचम, अब सूरज पर दिखेगा दम। सूरज के रहस्य से उठने वाला है पर्दा, इसरो का सबसे बड़ा मिशन। इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आदित्य L1 करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और इसी L1 पॉइंट की ऑर्बिट से अंतरिक्षयान सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसरो के इस मिशन से सूरज के कई रहस्य से पर्दा उठने वाला है। ये वो रहस्य हैं जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। देखना है कि ये सोलार फ्लेयर्स क्यों होते हैं और कई ऐसे मिस्ट्रीज हैं सूर्य के बारे में। उसका जो फोटोस्फीयर है वो बहुत गर्म है, लेकिन सूर्य के अंदर काफ़ी कम गर्मी है। तो ये सब क्यों होता है, स्पेस का आबहवा कैसा है, वेदर कैसा है, ये सब हमें जानना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे ख्याल में ये एक इसरो के एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और कामयाबी होगी। धरती पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। सूरज की वजह से धरती पर सभी गतिविधियां संचालित हो रही है और यही वजह है कि सूरज को भगवान का दर्जा प्राप्त है और हम उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक सूरज से जुड़े अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसके लिए आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा। L1 एक पॉइंट है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं। सन से और पृथ्वी के बीच में एक काफ़ी ऊंचाई पर ये पॉइंट 5 पॉइंट है, लेकिन लैग्रेंज 1 पॉइंट एक विशेष है। वो स्थान जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, उनका कोई गुरुत्वाकर्षण न तो सन पर कर्ण का गुरुत्वाकर्षण रहता है और न ही पृथ्वी का। ये दूरी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। तो इस स्थान में हमारे इसरो के वैज्ञानिक L1 नाम से उस वेधशाला को स्थापित करेंगे। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार रिहर्सल भी की गई है और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही वैज्ञानिकों ने इस मिशन को लॉन्च करने की तारीख और वक्त मुकर्रर किया। इसरो का ये मिशन पहले छोटा था, पहले ये सिर्फ आदित्य मिशन था, बाद में इसके साथ L1 जोड़ा गया। पहली बार है कि इसरो ने सूर्य को जानने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजा है। ये मिशन पहले काफ़ी छोटा था, आदित्य था, अभी फिर ये आदित्य L1 हो गया है, क्योंकि ये कुछ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर एक पॉइंट है जिसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ ये पृथ्वी का जो SOI है यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कैंसिल हो जाता है सूर्य के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा ईंधन नहीं लगता। सूरज पर अब तक 22 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सिर्फ नासा ने 14 मिशन भेजे हैं और भारत की तरफ से पहली बार सूरज पर कोई मिशन भेजा जा रहा है। लिहाजा इसरो वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत के बाद ये मिशन फाइनल किया है और अब इंतजार है जब ये मिशन सूरज के पास L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और वहां से अपनी रिपोर्ट भेजेगा।